नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी पंचायत चुनाव की वजह से, उसे जल्द ही कर दिया जाएगा। उसको लेकर शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षक नियोजन को लेकर फिलहाल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, आपको इस खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें 38,000 शिक्षकों का चयन भी हो चुका है, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अभी के नोटिस के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन 14 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक होना है, लेकिन शिक्षा विभाग के मुताबिक इसमें थोड़ी देरी और हो सकती है। माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल भी अगले साल यानी कि जनवरी में आने की पूरी संभावना है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 1200 नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां काउंसलिंग नहीं हो पाई है। अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन काउंसलिंग से लेकर किया गया है। 31 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में इसके बाद ही शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल जारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक तथा 6,421 हेडमास्टरों की भर्ती होनी है। इसका भी रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक इसी महीने शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज देगा और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक विज्ञापन जारी हो सकता है। आपने पहले भी खबर में देखा होगा कि अब हेडमास्टरों की जो बहाली है वो बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा, तो इसके लिए भी अब याचना भेज दी जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कई सालों से अटकी हुई है। नियोजन में देरी को लेकर हाल ही में पटना में शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और समय समय पर कई सारे प्रदर्शन जो है वो बिहार में हुए हैं। सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जल्द ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पंचायत चुनाव का जो अंतिम चरण है वो समाप्त होने के बाद सारी चीज़ें समेटी जाएंगी और फिर जाकर जो है शिक्षकों के नियोजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। एक शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनको लेकर संशोधित शेड्यूल जो है वो जल्द ही जारी होना है। तब जाकर पता चलेगा कि आखिरकार किस तारीख से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 94,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो सालों से अटकी हुई है। इसके वजह से बिहार के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बिहार का जो एजुकेशन चेन है वो काफ़ी स्लो पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। बिहार का एजुकेशन जो लेवल है, जो स्तर है, वो भी सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले साल में, यानी कि 2022 में ये सारी चीज़ें सुधर सकती है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, बिहार में शिक्षकों की जो परेशानियां है वो भी हल होगी और बच्चों को भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।